नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। तेजिंद्र बग्गा को दिल्ली लेकर आ रही पुलिस। कुरुक्षेत्र पुलिस ने तेजिंद्र बग्गा दिल्ली पुलिस को सौंपा। थाने से निकली दिल्ली पुलिस तेजिंद्र बग्गा की गिरफ्तारी के बाद राज्य में बड़ा टकराव। करनाल में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पंजाब से जुड़े तार। आज पंजाब से भी पकड़े गए दो आरोपी। दोनों से पूछताछ कर रही पुलिस। करनाल से आतंकवादी मिलने के बाद अंबाला पुलिस भी अलर्ट। पिछले दिनों सामने आए मामलों की छानबीन की शुरू। आरडीएक्स के मामलों को आतंकियों से जोड़कर जांच शुरू। करनाल में चार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाक में मौजूद आतंकी हरविंदर उर्फ रिंदा से भी संबंध। करनाल के रास्ते दिल्ली जाने की फिराक में थे आतंकी। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से होती थी हथियारों की सप्लाई। तीन फिरोजपुर के और एक लुधियाना का रहने वाले हैं संदिग्ध आतंकी। अब गंगा के अलावा सहायक नदियों के तट पर भी होगी आरती। नदी के घाटों पर लगेंगे मेले। नदियों के तट पर प्रमुख जिलों में बनाए जाएंगे पक्के घाट। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम देंगे दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को होगी सुनवाई। आज आजम खान को 87 मामलों में से 86 मामलों में मिल चुकी है जमानत। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा डीटीपी का पीला पंजा। सरस्वती कुंज में आज हटाया गया अतिक्रमण। बिल्डरों और भू माफियाओं को चेतावनी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई रहेगी जारी। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में पेपर लीक का मामला। पेपर लीक मामले में सीएम जयराम ठाकुर ने किया ट्वीट। कहा भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मामले की जांच के लिए गठित की जाएगी एसआईटी। दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया बड़ा फैसला। एमएसपी पर खरीदी जाएगी मूंग की फसल। मूंग के बाद किसान लगा सकते हैं बासमती धान की फसल। आज से केदारनाथ धाम के खुले कपाट। सुबह 6:26 पर खोले गए कपाट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। 8 मई से शुरू होगी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। श्रद्धालुओं में देखा जा रहा भारी उत्साह। जालौरी गेट हिंसक झड़प के बाद जोधपुर में लगाए गए कर्फ्यू में दी गई छूट। आज सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए दी गई कर्फ्यू में ढील। दिल्ली में मुफ्त बिजली पर लगाम लगाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। सीएम बोले फ्री बिजली सब्सिडी होगी वैकल्पिक। स्टार्टअप के लिए सरकार बढ़ाएगी हाथ। हरियाणा में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज। सरकार ने चुनावी तैयारियों को किया तेज। झज्जर में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पदाधिकारियों के साथ किया मंथन। हरियाणा में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज। निकाय चुनाव को लेकर देवेंद्र सिंह बबली का बड़ा बयान। कहा 10 मई के बाद निकाय चुनाव पर हो सकता है फैसला। निकाय और पंचायत चुनाव में 10 से 15 दिन का हो सकता है अंतर। देश में कोरोना से 47 लाख मौतों के WHO के दावे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरा। कहा विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में हुआ इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1300 से ज्यादा केस आए सामने। संक्रमण दर हुई 6.35%। दिल्ली के वेलकम इलाके में दो समुदायों के बीच बच्चों के झगड़े को लेकर हुआ विवाद। दो समुदायों के बीच टकराव और पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस। मामले में पुलिस ने 37 लोगों को किया गिरफ्तार। रोहतक में सीएम मनोहर लाल के टैबलेट वितरण कार्यक्रम को लेकर हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने साधा निशाना। कहा केवल कागजों पर काम कर रही है सरकार। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर।
सोनीपत में पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपी किए गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूटपाट की घटना आईटीआई चौक के पास की थी। 19,62,000 रुपए की लूट। हरियाणा में बिजली की कमी से लोगों को जल्द मिल सकती है राहत। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दिया बड़ा बयान, कहा हम अडानी से खरीद रहे हैं बिजली, 2 दिन में शुरू होगी सप्लाई। कैथल में पुलिस की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। डीसी के आदेशों के 14 दिन बाद भी ग्रामीण सचिव पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 40,00,000 रुपए के गबन में ग्राम सचिव और सरपंच पाए गए थे दोषी। बीडीपीओ ने 21 अप्रैल को एफआईआर दर्ज करने के लिए एसएचओ को लिखा था पत्र। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ना हल्ला ना बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुड़, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे, शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। अमृतसर पुलिस ने नकली आईएफएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी युवक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पंचकुला में टैबलेट वितरण प्रोग्राम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मेयर कुलभूषण गोयल ने की शिरकत। 10वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट किए गए वितरित। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में ट्रैफिक पुलिस का अभियान। 53,000 रुपए के पुलिस ने किए चालान, चालक पुलिसकर्मी से करते नजर आए बहस। अंबाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नारायणगढ़ और बरारा सब डिवीजन से ट्रांसफार्मर चोरी होने की घटनाओं का किया पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा 2 ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया काबू। पुलिस ने आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल और 40,000 की नकदी की बरामद। कालावली में उपमंडल कार्यालय में किसानों का धरना। नलकूप के लिए बिजली सप्लाई की मांग की। खराब नरमे की फसल के मुआवजे की भी मांग की। मुआवजे के लिए बार प्रशासन से कई बार लगा चुके हैं गुहार। यमुनानगर में नशीले पदार्थ के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी युवक पर पहले ही 5 मुकदमे दर्ज। लेदा खादर गांव का रहने वाला है रिजवान। इंद्री में हरियाणा टैबलेट बेस्ड ई लर्निंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में उपमंडलाधीश गौरव कुमार ने की शिरकत। 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट किए वितरित।
हरियाणा के टैबलेट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम के तहत एलनाबाद में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर राहुल गुप्ता ने की शिरकत, 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट किए वितरित। आईपीएस ममता सिंह पहुंची चरखी दादरी। इस मौके पर आईजी ने थाना सदर दादरी का बारीकी से किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। फरीदाबाद के मौजपुर इलाके में केजीपी हाईवे पर सड़क हादसा, बाइक सवार दंपति अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे, 9 महीने की मासूम और पिता की दर्दनाक मौत। सोनीपत में लूटपाट करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने लूटपाट करने वाले 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच फरीदाबाद पुलिस ने दिखाई सख्ती, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों का किया चालान, साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए किया जागरूक। आम आदमी पार्टी महिला विंग की सह प्रभारी के तौर पर प्रिया चौधरी को किया गया नियुक्त, प्रिया चौधरी ने जताया भार। बहादुरगढ़ में भेड़ बकरियां चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्य काबू, पुलिस पूछताछ में 10 वारदातों का किया खुलासा, भेड़ बकरियां लूटकर दिल्ली में बेचते थे आरोपी। होशियारपुर में किसानों का हल्ला बोल, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का धरना, किसानों ने प्रशासन के खिलाफ किनारेबाजी, 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पटियाला में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी में सामने आए 124 नए मामले, लॉ यूनिवर्सिटी को कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील, संक्रमण के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। तरन तारण में किसानों ने आपके खिलाफ किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर डीसी दफ्तर के बाहर दिया धरना, कहा केंद्र सरकार हमें एमएसपी लागू करे। फाजिलका में बीजेपी नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन, एसडीएम दफ्तर के बाहर दिया धरना, पंजाब सरकार पर लगाया वादा खिलाफ ही का आरोप। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल, कहा किसानों को बीज उपलब्ध करवाने में नाकाम रही सरकार, किसानों से बिना मिले ही रवाना हुए सिद्धू। जालंधर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वेस्ट हल्के में नशा माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ भी बरामद। गुरदासपुर से मामला आया सामने, पुलिस ने मां और बेटे को हेरोइन समेत किया गिरफ्तार, तलाशी दौरान आरोपियों से 65 ग्राम हेरोइन हुई बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दो दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम परियोजनाओं का किया निरीक्षण, परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, केशव प्रसाद मौर्य सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अलीगढ़ में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, महिला की मौत के बाद परिजनों ने काटा जमकर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुरादाबाद के मेनाठेर थाना क्षेत्र में चिकन खाने से एक ही परिवार के 8 लोग हुए बीमार, आनंद फानन में सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती, पीड़ितों का कहना है कि ईद की दावत में उन्होंने चिकन खाया जिसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। सोनभद्र में भीषण गर्मी का असर, रिहद बांध जल परियोजना पर दिखने लगा, लगातार जलस्तर में हो रही गिरावट से उत्पादन हुआ प्रभावित, 2021 की तुलना में इस साल 4 फीट की गिरावट दर्ज। चमोली में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, चार धाम यात्रा के चलते हटाए गए अतिक्रमण, नियमों का उल्लंघन करने वालों की जाएगी सख्ती,
दुकानदारों ने जताया प्रशासन की कार्रवाई का विरोध। बाराबंकी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, दो शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल समेत लाखों रुपए की बरामद, फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। वाराणसी में स्कूल चलो अभियान के तहत बीएसए ने मलिन बस्ती के बच्चों को स्कूल से जोड़ा। बच्चों को प्रेरित करने के लिए बीएसए ने ट्राली चलाकर बच्चों को स्कूल जाने को रिझाया। दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मंत्री सुरेश राही, इस दौरान उन्होंने कहा कि विचाराधीन कैदियों की रिहाई का रास्ता होगा साफ। मुरादाबाद में बदमाशों में दिखने लगा योगी सरकार का खौफ, हाथ जोड़कर गले में तख्ती डालकर आत्मसमर्पण करने पहुंचा गौकुशी का आरोपी यामिन। हांसी में फ्लाईओवर के नीचे स्कॉर्पियो गाड़ी पर दो गाड़ियों से सवार युवकों ने की अंधाधुंध फायरिंग, फायरिंग के दौरान पांच लोग हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राज्य मंत्री संजीव कुमार पहुंचे संभल जिला अस्पताल और ब्लॉक का किया निरीक्षण, अस्पताल में गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कानपुर में 14 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लगभग 1.25 लाख मामलों का किया जाएगा निस्तारण, न्यायाधीश मयंक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। लखनऊ के ताराशंकर आईटीआई में कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में परिवहन विभाग मंत्री दयाशंकर सिंह ने की शिरकत, परिवहन मंत्री ने छात्रों को बांटे स्मार्टफोन, मंत्री ने सभी छात्रों का बढ़ाया हौसला। बुलंदशहर में अदालत ने पांच तस्करों को भेजा जेल, पुलिस ने सेमड़ा पुल के पास से किए थे गिरफ्तार, 6 किलोग्राम से ज्यादा गांजा और एक कार भी की बरामद। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल। अमेठी में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते 5 लोग घायल, दीवार गिरने से दीवार के पास सो रहे लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर, बारिश के चलते ईंट भट्टों पर रखी कच्ची ईंटें भी बर्बाद। मेरठ में चलती कार में अचानक लगी आग, कार चालक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।